राइडर आप लोग देख रहे हो दूसरे तो फाइनली भाई हमारे पास आ गए भाई R1 के बॉडी किट और हम लोग बनाएंगे मार्जिन 3 को R1। तो भाई ये ब्लॉग आप लोग जरूर देखना भाई, पूरा फुल फिल वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। और आज हमारे पास आया है R1 का बॉडी की, तो आज हम दुकान पे जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आज 11:30 हो चुका है, हम सुबह जाएंगे दुकान, R1 का बॉडी किट खुल के आप लोगों को दिखाएंगे। इसका हेड और पूरा फुल बॉडी किट है यहाँ पे। सो गाइस हमारे पास जो बॉडी किट आया है वो हम इस बाइक पे फिट करेंगे। हाँ, तो फिट करने से पहले हमको जो नाट का जो पॉइंट है उसको हमको छेद करना पड़ेगा जो डील मशीन है उससे। तो पहले हम इस बॉडी किट को पूरा खोल देंगे, उसके बाद हम उसको फिट करेंगे, ठीक है? तो तुम लोग पहले देखो हम कैसे खोलते हैं। If you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go तो भाई R1 का बॉडी किट पूरा फिटिंग हो चुका है और इसको अभी हम चला के देखेंगे कोई दिक्कत वगैरह, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर होगा तो हम वो सॉल्व कर देंगे। और चलाने के टाइम थोड़ा तो सिनेमैटिक बनता है ना भाई, तो चलो थोड़ा सिनेमैटिक देख लो तुम लोग। भाई हमने चला के देख लिया है, बाइक पूरा ठीक ठाक है और जो जो पार्ट हमने लगाया है ना उस पार्ट को फिर से खोलेंगे। खोलने के बाद इस पेपर देके पूरा घिसेंगे, इसलिए घिसेंगे क्योंकि जो बॉडी है ना उसको पूरा एकदम मोलियम बटर जैसा कर देंगे हम। उसके बाद जिस जगह पे गड्ढा वगैरह है सिर्फ उस जगह पे हटी देंगे, कुटी डालने के बाद फिर से घिसेंगे, घिसने के पैमान बनेंगे, पैमान बनने के बाद जिस जगह पे गड्ढे है उस जगह पे फिर से पैमान बनेंगे। तो बहुत काम है भाई, तो तुम लोग देखो और मजे लो। और R1 कैसा लग रहा है सिनेमैटिक में थोड़ा हमको बता दो यार। तो जब फुल कंप्लीट कलर वलर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट और सब कुछ जब लग जाएगा ना भाई, तो पूरा बवाल पूरा धमाका लगेगा भाई। तो तुम लोग वीडियो पूरा देखो और मजे लो और शेयर करके सब लोगों को मजे दो, ठीक है? तो चलो भाई देखो। इसका तो पूरा बॉडी फिटिंग हो गया है और एक काम बाकी है जो कि मरगड़ है, मरगड़ भी हम चेंज करेंगे जो कि यहाँ पे है, ये भी हम लगा देंगे इसमें। और बॉडी फिटिंग देखो भाई कितना अच्छे से हो गया है। इसके बाद हम इसको घसेंगे, घस के पूरा पॉलिश वॉलिश।
में देख सकते हो छोटा छोटा गड्ढा है, जहाँ भी यहाँ पे है थोड़ा यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे पुट्टी लगाएंगे। पुट्टी लगाने के बाद फिर से इसको घिसेंगे, घिसने के बाद फिर से इसको प्राइमर करेंगे, प्राइमर करने के बाद इसको घिसेंगे। तो बहुत काम है भाई, तो तुम लोग देखो अभी टाइमलेस में देख लो, उसके बाद जब सारा काम हो जाएगा ना तो तुम लोगों को ठीक से हम बता देंगे क्या क्या किया है हमने। ग्रे पैमर का काम खत्म हो गया है और टंकी को देखो भाई कितना चमक रहा है, ग्रे पैमर में भी कितना चमक रहा है। इसके बाद जब कलर होगा ना भाई एकदम खासम खास लगेगा, तो देखो एक बार कितना चमक रहा है। ये देखो नीचे का जो साइड का दो पैनल है, देखो नीचे का पैनल है और सिर्फ ये सीट कवर रह गए हैं भाई, इसको भी हम कर देंगे टेंशन नॉट। तो ये देखो ये भी साइड का है, टैंकी का साइड का है, ये भी लेफ्ट साइड का है टैंकी का। और ये रहा R1 का हेड, छोटा छोटा गड्ढा था इसलिए हमने इसको पुट्टी लगा दिया है, इसके बाद हम घसेंगे, इसके बाद भी प्राइमर कर देंगे। और ये रहा टेल, पीछे का टेल है और इसको हम प्राइमर किया है ग्रे प्राइमर। तो देखो कितना चमक रहा है भाई, मौसम 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 है मौसम। तो भाई तुम लोग गेस करो हम कौन सा कलर करने जा रहे हैं, हमने तो कलर सिलेक्ट कर लिया है, कलर हमने सिलेक्ट कर लिया है भाई। तुम लोगों को ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, चार ऑप्शन दे रहा हूँ, फोटो में देख के बताओ हम कौन सा कलर करने जा रहे हैं। थोड़ा गेस वेस करो भाई, जो कलर हम करने जा रहे हैं ना वो कलर हमको अच्छा लग रहा है, जिसके बाइक है उसको भी अच्छा लग रहा है, तो वही कलर करेंगे हम। तो तुम लोग थोड़ा गेस कर लो भाई कौन सा कलर करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा जो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगाएंगे और जो कलर हम करने जा रहे हैं वो कलर कैसे करेंगे नया कलर तुमको दिखाएंगे। आज के लिए भाई इतना ही भाई, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ब्रो।